मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग द चहान फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो आज है 31 अगस्त और आज रक्षाबंधन है, तो आप सबको द चहान फैमिली की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार बहुत कन्फ्यूजन था कि मतलब 30 को भी राखी है, 31 को भी राखी है, कब बांधने राखी, क्योंकि 30 तारीख में पूर्णिमा तो लग गई थी लेकिन भद्रा चल रही थी, तो भद्रा में भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधते और टीका नहीं करते, तो इस वजह से हमने भी 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन, मतलब आज रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो मोस्टली सब लोग ना 31 को ही कर रहे हैं। अभी तो वैसे बज रहे हैं दिन के 12:50 और हमने राखी तो मना ली है, क्योंकि आज राखी का मतलब राखी पूजने का जो मुहूर्त है वो सुबह का था ना, 7 बजे से पहले पूजा करनी थी, तो हम राखी बांधने से पहले पूजा भी करते हैं। जो जवे होते हैं, सेवैयाँ होती है, उनका मतलब भोग लगता है। तो सुबह जल्दीबाजी में तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है कि हम कैसे कैसे पूजा करते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको शुरू से जो मैं सुबह की वीडियो बना रही थी, और तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये वीडियो है सुबह करीब 6 बजे की, तो 6 बजे तक हम पूरा नहा धो के तैयार हो गए थे। उसके बाद मैंने ये तवे में गेरू कहते हैं इसे, गेरू भिगोने के लिए रख दिया था। इससे ना हम मतलब अपने दहलीज पर मतलब दरवाजे के साइड दोनों साइड सीताराम लिखते हैं और तब वहाँ पर पूजा करते हैं। तो बस नहा धो के फिर मैं ना यही कर रही थी। और इसके बाद बनाएंगे जवें, सेवैयाँ, और मतलब दूध वाली सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर पूजा करेंगे और तब राखी बांधेंगे। तो सबसे पहले मैं ही नहा धो के मतलब रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ काम। और अभी एक एक करके सब मतलब कोई नहा रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो मैंने कहा ये काम मैं कर लेती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से ये काम करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। अभी चूल्हे में रख दिया है दूध, ही देखिए चूल्हे में दूध रख दिया है, और ये निकाल दिए मैंने सेवैयाँ। तो दूध की सेवैयाँ पूजी जाती है ना, तो बस अभी मैं इसमें डालूँगी दूध में, थोड़ा और दूध डालूँगी अभी इसमें, और तब बनाते हैं फिर सेवैयाँ, तब करते हैं राखी पूजने की तैयारी। और यहाँ पर कर रही है मम्मी राखी पूजने की तैयारी, तो होम कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे होम करके और जवे बन गए हमारे, मतलब सेवैयाँ बन गई है हमारी मीठी सेवैयाँ, और तब उसका भोग लगाएंगे। तो और तब बाहर जो मैंने सीताराम लिखा है वहाँ पर राखी लगाते हैं। तो अंदर तो हमारी पूजा हो गई है, हमने होम भी कर लिया है और वहाँ पर सेवैयाँ का भोग भी लगा लिया है, और अब आ गए हैं हम बाहर जहाँ पर मैंने सीताराम लिखा है, और अब यहाँ पर भी पूजा होगी थोड़ी सी और राखी लगाएंगे जहाँ पर मैंने सीताराम लिखा है ना वहाँ पर। तो पापा जी बस वही पूजा कर रहे हैं। तो राखी पूजन तो हो गया है, तो हमारे यहाँ राखी पूजन ऐसे होता है,
और अब हम आ गए अंदर और भाई को राखी बांधने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिसके लिए मैं थाली सजा रही हूँ और थाली में थोड़ी सी मिठाई, दिया, धूपबत्ती और राखी और अक्षत मतलब चावल थोड़े से रखूँगी। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार हो गई है राखी की। अब भाई को राखी बांधते हैं, तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको आगे की वीडियो। साढ़े चार और मैं जा रही हूँ छत में कपड़े फैलाने के लिए। मम्मी कपड़े धो रही है और हम फैला रहे हैं छत में। तो छत से आपको मौसम भी दिखा देते हैं और अपना काम भी निपटा लेते हैं। तो कपड़े तो मैंने फैला दिया, अभी और भी कपड़े हैं नीचे। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, मतलब मौसम साफ है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। कैंप के साथ और बस आज का दिन तो ऐसे निकल गया सुबह राखी में, क्योंकि दीदी भी आ रखी है तो सब गप्पा सप्पे मार रहे हैं। और अभी मैं मौसम दिखाती हूँ कि दिन में तो बिल्कुल साफ मौसम हो रखा था और अभी तो भयानक मौसम हो गया, बारिश पड़ने वाला। ये देखिए उधर कितने काले बादल आ गए हैं, ये ऊपर ऊपर कितने काले बादल आ गए हैं देखिए। किचन में तो किचन में आज हम बना रहे हैं डिनर में, आग जला दिए चूल्हे में और डिनर में बना रहे हैं आज करेले की सब्जी। करेले उबाल के बना रहे हैं तो इसलिए छील दिए हैं करेले और पानी रख दिया है, अब चूल्हे में रखेंगे उबालने के लिए। और दीदी करेले नहीं खाती है तो उसके लिए भिंडी मतलब प्याज काट रहे हैं और भिंडी बना रहे हैं, भिंडी और प्याज की सब्जी, और हम खाएँगे करेले और प्याज की सब्जी। तो बस बाहर हल्की हल्की बूंदें पड़ने लग गई हैं, अभी तो मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ रही है, हल्की हल्की पड़ रही है। अभी बज गए 8:30 और हम आ गए हैं अंदर। डिनर तो हमने बना लिया है, बस अब थोड़ी देर पापा का वेट कर रहे हैं ज़रा और तब खाएंगे। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से द चौहान फैमिली की ओर से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे करते हैं।